हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक खूबसूरत सा फ्लावर बनाना ईयरबड की सहायता से, जो बहुत ही कम वक्त में बहुत आसान तरीके से बन जाता है। इसके लिए हम करेंगे ईयरबड को यहाँ से ऐसे कट करेंगे, फिर इन दो कोनों को ज्वाइंट करेंगे, गांठ लगाएंगे यहाँ पर, जो बिना बुने हुए बड़े आसानी से बहुत कम टाइम में बन सकता है। और इसको आप कहीं भी आर्ट क्राफ्ट फ्लावर, ये फ्लावर आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखने में है। इसको यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ से ऐसे कट कर लीजिए। फिर ये हमारे पास जो हमारा ईयरबड है, इस धागे को ऐसे आप पकड़ें, सेंटर में इसको रखें, एकदम सेंटर में इस जो गार्ड को लगाएं उसको सेंटर में रखें, और आप ऐसे, ये देखिए, ऐसे फंसा के ऐसे डालें, वन, फिर इधर से वन टू टू, इस तरह से आप 20 बार करें, दोनों 20-20 बार करें। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको गांठ लगाएंगे, इस वाली डोरी को थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, बड़ा काटने के बाद इसको इसमें से गांठ लगाएंगे प्रॉपर अच्छे से। कट और लगा देंगे जिससे कि ये खुले ना और ये सही से बैठे हमारा फ्लावर जो है। अगर गार्ड सही से नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन कट कर देंगे, ये कट कर दिए। अब इसको हम, इस वाले धागे को हम सुई में डालेंगे, इसको ऐसे डालेंगे। देखिए, मैंने इसमें धागा डाल लिया। अब हम नीडल को, सुई को इसके पॉइंट में डालेंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे इसको प्रेस करेंगे और इसको नीचे की ओर ले आएंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे आएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये फ्लावर है, बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। अब इसको आप यहाँ से ऐसे नॉट लगा देंगे, ताकि जिससे कि ये खुले ना। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ मैंने नॉट लगा दिया है। अब हम इसको अच्छे से टाइट करके एकदम बांध कट कर देंगे। अब हमने पहले से ही यहाँ पे बना के रखे हुए अपने 1 2 3 4, अब इन सब को मैं आपस में ज्वाइन कर दूँगी तो फिर हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा बनकर। ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ से ऐसे नॉट कट कर दिया, फिर ये हमारा ऐसे ऐसे सुई लेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे जिससे कि वो फ्लावर अच्छे से बनकर उभर कर सामने आए। इस सारे फ्लावर को मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया है, एकदम अच्छे से मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो ये अच्छे से सुंदर सा, एकदम खूबसूरत सा फ्लावर बनकर आ जाएगा। इसको ज्वाइन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे ये खूबसूरत सा दिखे।
देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा आ रहा है लुक इसका। ये आप इसको थोड़ा टाइट रखेंगे तो ये और भी सुंदर सा आएगा, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा आपको। लूज़ छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा थोड़ा ऐसा दिखेगा और कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा लूज़ कर दिया था, अब मैं इसको टाइट कर देती हूँ। ये देखते हैं ये खूबसूरत सा फ्लावर बन गया है। इसमें हम एक पर्ल लगा लेंगे, एक सुंदर सा पहले हम इसको पीछे से थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं फेस के, एकदम अच्छे से कर देते हैं जिससे ये और सुंदर दिखे सब आपस में। जितना अच्छे से आप टाइट करेंगे उतना अच्छा फ्लावर बनेगा। तो उस जितना आप सफाई चाहिए आपको अपने काम में चाहिए, तो इसके बाद तो फ्लावर बन ही जाएगा सुंदर सा खूबसूरत सा। और प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, कुछ भी एक भी बार में नहीं होता है। तो आपके पास बड़ा पर्ल हो तो आप बड़ा पर्ल लगा लीजिएगा, हमारे पास अभी बड़ा पर्ल नहीं है तो हमने इसलिए छोटे पर्ल ही यूज़ कर लिए हैं अपने फ्लावर में। मैंने यहाँ पर एक दो और तीन, मैं तीन खूबसूरत से छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे मैंने इसको यूज़ किए हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे हमको दबा देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे घुसा देंगे, सुंदर सा फ्लावर आएगा एकदम ब्यूटीफुल। उसको थोड़ा छुड़ा लेंगे, धागा है ना तो फंस जाता है थोड़ा सा। देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन के तैयार हुआ है। इसको हम अच्छे से एकदम टाइट करेंगे, कोई भी चीज़ बहुत ही प्रैक्टिस से होती है। एक बार में हो सकता है आपसे इतना अच्छा से ना बन पाए, तो आप उसके लिए घबराएं ना, आप उसको ट्राई करें, सेकंड टाइम में वो अच्छे से बन जाएगी। तो कोई भी चीज़ जो आसानी से नहीं बनती है उसमें टाइम तो लगता ही है। बस यहाँ नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बन गया है मेरा खूबसूरत सा फ्लावर, जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो देखिए हमारा खूबसूरत सा फ्लावर, और खुद ट्राई करिए और बनाइए। मेरा ये फ्लावर अगर पसंद आया और मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बनाना समझ आया तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।